हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज मैं आया हूं आपकी शॉप पे, तो लगभग 3 से 4 दिन के बाद तो आज मौसम खुला है, मतलब कि सूरज आज 3 से 4 दिन के बाद निकला हुआ है। 3 से 4 दिन से मेरे शहर में बहुत ज़्यादा ही ठंडी पड़ रही थी। तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए इस ठंडी में बहुत ही बेहतरीन एक रेसिपी लेके आया हूँ, इसका नाम है इलाहाबादी कचालू। तो गाइस आज का ये जो मेरा कचालू मैं आप लोगों को रेसिपी बताने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन और केवल ठंडी में ही अच्छा लगेगा, मतलब कि जब नई नई आलू आती तभी एकदम बेहतरीन लगेगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टेप में हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर गर्म होने के लिए, और एक लगभग कि बड़े कलछुले से हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे, और उसके बाद यहाँ कवचे की सहायता से चारों तरफ उसको रोटेट करते हुए फैला देंगे ऑयल को। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप लोग भी कड़वे तेल का ही इस्तेमाल करिएगा। तेल का थोड़ा गर्म होने का वेट करेंगे, और उसके बाद उसमें हम लोग ऐड कर देंगे लगभग कि 2 चम्मच बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको 1 मिनट तक अच्छे तरीके से चलाते हुए भूंजेंगे पहले ऑयल में। और उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे हरा मिर्चा पिसा हुआ, बिल्कुल ग्राइंड किया हुआ। तो लगभग यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच हरे मिर्चे का प्रयोग कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करिएगा। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो ज़्यादा तीखा डालिएगा, अगर कम तीखा खाते हो तो हल्का डालिएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी शॉप के लिए बना रहा हूँ कचालू, तो मैं तो बड़े लेवल पे बना रहा हूँ, मतलब ढेर सारा ही बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा मिर्ची का प्रयोग कर रहा हूँ। अब 1 से 1.5 मिनट इसको भूनेंगे अदरक लहसुन के साथ, अपने मिर्चे को भी हरे वाले को। लगभग 1 से 1.5 मिनट देखिए हो गए हैं अच्छे तरीके से, तो मसाले और अदरक लहसुन भून चुके हैं। अब इसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे मीट मसाला 1 बड़ी कटोरी, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे दम आलू मसाला वो भी 1 बड़ी कटोरी। अब इसको भी चलाते हुए भूनते रहेंगे खूब अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके चलाते हुए भूनते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे गाइस मसाले हमारे को सूख गए हैं, मतलब जो है, तो इसमें इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमको ऐड करना होगा लगभग कि थोड़ा सा पानी। तो पानी थोड़ा सा ऐड करने से क्या होगा कि मसाले हमारे अच्छे तरीके से पक जाएंगे, मतलब लगने नहीं लगेंगे अगर पानी डाला रहेगा तो। अच्छे तरीके चलाते रहेंगे। आराम से मीडियम आंच का फ्लेम करके इसको अच्छे तरीके से भूंजेंगे मसालों को। जब अच्छी तरीके से मसालों की महक आ जाए तब समझ लिए परफेक्ट हमारा मसाला पका। उसके बाद इसमें हम लोग हींग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लगभग कि मैं 1 बड़े चम्मच से हींग ऐड कर रहा हूँ। गाइस हींग डालना ना भूलिएगा, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है हींग से, और ठंडी में तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। आप लोग भी डालिएगा, महक ही बहुत बेहतरीन होती है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। लगभग हींग डालने के बाद 1 मिनट तक भूंजेंगे। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट इसमें आलू ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू छिलवा कर और चॉप चॉप स्लाइड में कट करवाया था, तो लगभग कि यहाँ पे मैं लगभग 8 से 7 किलो तक आलू इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से मसालों में मिक्स करेंगे, आज का फ्लेम मीडियम रखते हुए अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, मतलब ज़्यादा इसमें मिक्स नहीं करना है कि टूटने लगे आलू हमारे, बस एक ही साइड से अच्छे तरीके से रोटेट करते हुए बस मसालों के साथ इसको मिलाना है, बस आराम आराम से करेंगे। नीम आलू हमारे टूट जाएंगे तो ये बिल्कुल सा जो है भरते वाला टेस्ट आने लगेगा। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद इसमें हम लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो यहाँ पे लगभग कि 2 बड़े चम्मच मैंने नमक का भी इस्तेमाल किया हुआ है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो
अब 1 से 1.5 मिनट इसको अच्छे तरीके से आज का फ्लेम थोड़ा हाई करके भून लेंगे आलू को मसालों के साथ। तो लगभग की देखिए गाइस, मेरा आज का ये जो इलाहाबादी कचालू का रेसिपी है वो लगभग की रेडी हो चुकी है। और इसके बाद देखिए कितनी बेहतरीन लग रहा है और कितनी बेहतरीन, बहुत बेहतरीन महक भी आ रही है। इसके बाद इसमें फ्रेशनेस के लिए धनिया डालेंगे, धनिया बहुत ज़रूरी है। अगर धनिया नहीं डालेंगे तो कचालू मतलब वो दम नहीं रहेगा। उसके बाद इसमें हम लोग धनिया ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। तो धनिया की जो महक होती है गाइस बहुत ही बेहतरीन आती है कचालू के साथ। तो गाइस ये देखिए मेरा कचालू का बन के एकदम रेडी हो चुका है। अगर आप लोगों को आज का मेरा ये कचालू का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।